फ्री फायर हमारे बाप का है, पूरी दुनिया में चलती है हमारी मनमानी। फ्री फायर हमारे बाप का है, पूरी दुनिया में चलती है हमारी मनमानी। अब हल्के में ले रहा है क्या, दिल से हैं हम पाकिस्तानी। हाँ हाँ, ट्रेनिंग लेके सीख रहा है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिए, हो तू जैसे नूबड़े कुत्ते चाहे कितने बड़े हो जाए, लेकिन बेटा मालिक के। हाँ तो भाई कैसे आप सब। अब आजकल इंडिया में कुछ ज्यादा ही लोग उछल रहे हैं, उन्हें तो अब ये लगने लग गया कि हम उन्हें थोड़ा छोड़े तो वो लोग बस उड़ते ही रहे। अब दोबारा एक बंदे ने हमारे पाकिस्तान सर्वर को रोस्ट कर दिया। आजकल इंडिया के यूट्यूबर्स कुछ इतने गिर के हैं सिर्फ फेम और सब्सक्राइबर के लिए कि कभी पहले शाहिद अफरीदी को पकड़ लेते हैं हमारे क्रिकेटर को, और अब तो पूरा हमारे पाकिस्तान सर्वर को। तो वाह बेटे, तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग ये काम करते जाओगे और बच भी जाओगे। अब ये मैं भी मानता हूँ कि हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी थोड़ी छोटी है, लेकिन यार अगर हम लोग साथ मिलके इसके ऊपर काम करें ना तो ये लोग बाद आ जाएंगे। अब ये जो बंदा ये करता है प्रैंक्स वगैरह, और तुम लोगों को पता है प्रैंक्स वगैरह स्क्रिप्टेड होते हैं। तुम किसी भी बंदे को देख लो, उसके स्क्रिप्टेड प्रैंक्स होते हैं। अब ये पहले एक बंदे से लड़ाई करवाती है अपनी, जो पाकिस्तान सर्वर का नहीं होता, जो इनका ही कोई बंदा होता है, और वो अपने 3 बंदे लाता है और ये 1v3 का मैच करते हैं। और मैच के अंदर जब वो दूसरा बंदा पाकिस्तान की कोई तारीफ करता है तो ये वाले बोलते हैं कि हम तुम्हारे मालिक लगे हैं। ये क्लिप तुम लोग खुद ही देखो। फ्री फायर हमारे बाप का है, पूरी दुनिया में चलती है हमारी मनमानी। फ्री फायर हमारे बाप का है, पूरी दुनिया में चलती है हमारी मनमानी। अब हल्के में ले रहा है क्या, दिल से हैं हम पाकिस्तानी। हाँ हाँ, ट्रेनिंग लेके सीख रहा है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिए, हो तू जैसे नूबड़े कुत्ते चाहे कितने बड़े हो जाए, लेकिन बेटा मालिक। आज की वीडियो में मैं इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करूंगा, क्योंकि यार अगर पाकिस्तानी ऐसा कुछ करते हैं ना तो हम उन्हें इतना गंदा तरह पेल देते हैं कि युवा तो यार सॉरी बोलती है या वीडियो डिलीट करते हैं। अब देखो पाकिस्तान में कितने ज्यादा इंडिया के बड़े बड़े क्रिएटर्स से मैचेस हो रहे हैं यूट्यूब किलर चैनल पर, लेकिन आज तक कोई हेट देखा इंडिया के बारे में, कुछ बोलता देखा किसी को? यहाँ तक कि अगर हमें कोई इंडिया में भी अच्छा बंदा मिलता है ना तो हम उसको पाकिस्तान से बैठ के सपोर्ट कर। और ये पाकिस्तान के फेक बंदे जो तुम ला रहे हो ना, अगर हिम्मत है तो असली टीम से फिर मैच करके दिखाओ ना। और अब ये बंदा यही बोलेगा यार ये तो बस सिर्फ फन के लिए था, फन में हो ना तो फिर हम लोग ऐसी मीम्स बनाएंगे कि तुम लोगों को अक्ल आएगी। हमें भी सब कुछ बनाना आता है मीम से लेके हर चीज, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि जब मैं पहले शुरू में इंडिया के यूट्यूबर्स को रोस्ट करता था तो मुझे लगा कि यार उन्हें क्यों मैं करूं, क्योंकि ना मैं उनके सर्वर का हूँ ना मैं उनके मुल्क का हूँ, मैं अपने मुल्क के लोगों को सुधारूं पहले फिर उनको जाके पकड़ूं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे इंडिया के भी क्रिएटर्स को रोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान वालों को इनकी असलियत बताऊं ताकि ये लोग हर ऐरे गैरे को सपोर्ट ना करें, क्योंकि हमारी भी ऑडियंस पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बजाय इंडिया में घुसी हुई है। अज्जू भाई का फेस रिवील होया, ज्ञान गेमिंग ने इसको गाली दी, ये लड़ाई होगी, बस हमारी ऑडियंस भी इससे में घुसी होती है। हमें अपने सर्वर के लिए स्टैंड करना है, क्योंकि अब हम भी कोई छोटे बंदे नहीं है, हमें भी एक पाकिस्तान का प्रॉपर सर्वर मिला हुआ है, यूट्यूबर्स मिले हुए हैं, तो हम लोग क्यों उनकी तरफ जाए। अब मेरा काम था तुम लोगों को समझाना, तुम लोगों ने समझना है तो समझो, अगर नहीं समझ रहा तो भी ना समझो, क्योंकि आगे जाके तुम्हें खुद ही अकल आ जानी है। जब आगे जाके तुम लोगों का भी कोई चैनल होगा ना और तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे तो तुम लोगों को अकल आएगी। ये पाकिस्तान की सारी ऑडियंस इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर बैठी हुई है और पाकिस्तान वालों को मुंह भी नहीं लगा रही। अब इसमें मुझे कुछ बड़े क्रिएटर्स की हेल्प चाहिए और मुझे वो मिल भी जाएगी मुझे जहाँ तक लगता है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।